So today we will study the cardiovascular system. Today we will study the cardiovascular system. The cardiovascular system consists of the heart and its related blood vessels. Heart और heart से संबंधित जो blood vessels हैं, उसको मिला के हम cardiovascular system कहते हैं. Heart और heart से related blood vessels हैं, उसको मिला के हम cardiovascular system कहते हैं. बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज हार्ट. तो हार्ट जो है एक मस्कुलर चैम्बर है, मस्कुलर एक कमरा है. उसके अंदर चार चैम्बर होते हैं. कितने चैम्बर होते हैं? चार. कंसिस्ट ऑफ द फोर चैम्बर, टू अपर चैम्बर एंड टू लोअर चैम्बर. द अपर चैम्बर इज नोन एज एट्रियम एंड लोअर चैम्बर इज नोन एज वेंट्रिकल. द अपर चैम्बर इज नोन एज एट्रियम एंड लोअर चैम्बर इज नोन एज वेंट्रिकल. टू अपर चैम्बर मीन्स वन ऑन राइट साइड वन ऑन लेफ्ट साइड. द राइट साइड वन इज नोन एज राइट एट्रियम, द लेफ्ट साइड इज नोन एज सेम वाइज द लोअर चैम्बर वेंट्रिकल. राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. अब दो कमरे हो गए ऊपर और दो कमरे हो गए नीचे. एज वी नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट. तो हार्ट का जो फंक्शन है दैट इज अ पंपिंग एक्शन. क्या काम है? ब्लड को पंप करना. तो ब्लड को पंप करने के लिए ब्लड उसमें कहीं से आना भी तो चाहिए. तो ब्लड कहाँ से आएगा? पूरी बॉडी से. पूरी बॉडी से दो ब्लड बॉडी की सबसे बड़ी वेन्स हैं, उनके थ्रू ब्लड हार्ट में पहुंचेगा. तो सबसे बड़ी वेन्स हैं उनका नाम क्या है? एक का नाम है सुपीरियर वेनी केवा, एक का नाम है इंफीरियर वेनी केवा. सुपीरियर वेनी केवा और इंफीरियर वेनी केवा. जो सुपीरियर वेनी केवा है बॉडी के बीच में, दिस इज थोरैक्स एंड दिस इज एब्डोमेन. थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में एक मसल्स लगी है, उस मसल्स का नाम है डायाफ्राम. क्या नाम है? डायाफ्राम. इन संस्कृत इट इज नोन एज महाप्राचीर पेशी. एग्जाम में जब एंड ऑफ में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स में, तो डायाफ्राम लिख के नहीं आएगा. क्या लिख के आएगा? महाप्राचीर पेशी. तो जो डायाफ्राम मसल्स लगी है उसके ऊपर का जितना भी ब्लड है वो सुपीरियर वेनी केवा के थ्रू ड्रेन हो जाता है, उसके नीचे का जितना ब्लड है वो इन्फीरियर वेनी केवा के थ्रू ड्रेन हो जाता है. ठीक है. ये जो ब्लड ड्रेन हुआ, ड्रेन हुआ मतलब गंदा वाला मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेनी केवा के थ्रू जो डायाफ्राम से ऊपर बॉडी थी और जो डायाफ्राम के नीचे थी उसका इन्फीरियर वेनी केवा के थ्रू कहाँ पहुंच गया? राइट एट्रियम में. कहाँ पहुंचा? राइट एट्रियम. राइट एट्रियम रिसीव द ब्लड फ्रॉम होल बॉडी अबव द डायाफ्राम बाय सुपीरियर वेनी केवा, बिलो द डायाफ्राम बाय इन्फीरियर वेनी केवा. समझ आया इतना? अब राइट एट्रियम के अंदर सारा ब्लड रखा हुआ है. कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे वाले कमरे में जाएगा. तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, छेद होना चाहिए. उस छेद का नाम है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस. क्या नाम है उसका? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस. जैसे दरवाजे के ऊपर कपाट लगे होते हैं, ऐसे ही इस ऑरिफाइस के ऊपर 3 कपाट लगे हुए हैं. क्योंकि इस पे 3 कपाट लगे हुए हैं इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल. क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वॉल. इन दरवाजे का काम क्या है? दरवाजे का काम है ब्लड का यूनि डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना. ब्लड एक बार में एक ही दिशा में जाएगा, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. इसका काम क्या है? ब्लड का यूनि डायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करना. तो ब्लड अभी कहाँ था? राइट एट्रियम में. अब कहाँ पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल में. किसके थ्रू पहुंचा? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू. कौन से छेद पे लगे हुए हैं? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस पे लगे हुए हैं. ठीक समझ आई? अब क्या होगा? जैसा कि हम आज तक पढ़ के आए हैं, जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में ले जाती हैं उनको आर्टरी कहते हैं, और जो ऑर्गन से हार्ट में वापस लाती हैं उनको वेन कहते हैं. और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है. लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका एक्सेप्शन है. क्या? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी आर्टरी कहने को तो आर्टरी है लेकिन उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है. पल्मोनरी वेन कहने को तो वेन है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है. ठीक है, समझ आया? तो अब जो नीचे वाला कमरा था उसका नाम क्या था? राइट वेंट्रिकल. वहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी और पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को ले जाएगी लंग्स के पास. कौन से ब्लड को ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को. किसके पास ले जा रही है? लंग्स के पास. क्या करने के लिए ले जा रही है? ऑक्सीजनेशन. बस इसका नाम ऑक्सीजनेशन. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के पश्चात ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाएगा. ठीक है. अब लंग से कुछ आएगा, वेन्स जो हार्ट की ओर जा रही है, तो वो लंग से हार्ट की ओर जा रही है पल्मोनरी वेन्स. सेम पहले हम बोल चुके हैं, एक्सेप्शन है बीइंग द वेन इट कंसिस्ट या इट कंटेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
अब ब्लड हमारे पास कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और जो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर से नीचे वाले कमरे में जाएगा, फिर एक दरवाजा मिलेगा, उसका नाम है लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ऑरिफाइस। क्या नाम है? लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ऑरिफाइस। लेफ्ट एट्रियो वेंटिकुलर ऑरिफाइस पे दो कपाट लगे हैं। कितने लगे हैं? दो कपाट। इसलिए इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड वॉल्व। अभी दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलते ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल की ओर आ जाएगा। तो ब्लड जब लेफ्ट वेंटिकल में आ जाएगा तो लेफ्ट वेंटिकल हार्ट का सबसे बड़ा सबसे मजबूत कमरा है, और उस कमरे से बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है, उस आर्टरी का नाम है एओर्टा। और एओर्टा आगे जाके 2 में 4 में 6 में टूटेगा और विभिन्न आर्टरीज के थ्रू ये जो ऑक्सीजन ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप आउट कर दिया जाएगा। दिस इज एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। समझ आया? कोई डाउट है किसी को? इफ यू एनीवन हैव डाउट यू कैन आस्क। सेकंड टॉपिक द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के अंदर कंडक्शन हो रहा है, अपने आप वेव्स निकल रही है, फैल रही है, आगे जा रही है, और पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या रिलैक्स कर रहा है। तो ये कंडक्शन सिस्टम में 4 मेन चीजें हैं, एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ विस, पर्किंस डिवाइस। एस ए नोड, ए बी नोड, बंडल ऑफ विस एंड पर्किंस डिवाइस। तो जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड पहले हम इनकी लोकेशन देखेंगे, तो रटना कुछ नहीं है, चाहे वो ऐसे नोड हो चाहे वो ए बी नोड हो, दोनों राइट एट्रियम में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में दिस वन राइट एट्रियम जो ऊपर वाला पाइप आया, इसका नाम क्या है? सुपीरियर वेनी केवा। उस राइट एट्रियम में सुपीरियर वेनी केवा की ओपनिंग के पास क्या रखा हुआ है? ऐसे नोड। ऐसे नोड सिनो एट्रियल नोड। इन नॉर्मल फिजियोलॉजी अवस्था दिस इज द पेसमेकर, दिस इज द पेसमेकर। ये बॉडी का पेसमेकर है, नॉचुरली इसी से इंपल्सेस निकलती है और आगे फैल जाती है। अगर बीमारी होगी तो ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, तब ए बी नोड को जिम्मेदारी ले लेगा। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल अवस्था में जब सब कुछ ठीक ठाक है तो ऐसे नोड ही बॉडी के पेसमेकर की तरह काम करता है। तो ऐसे नोड की पोजिशन मैंने कहाँ बताई? राइट एट्रियम में ऊपर वाली पाइप के पास, मतलब सुपीरियर वेनी केवा के पास, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि दोनों ही राइट एट्रियम में स्थित हैं, बोला था कि नहीं? तो दूसरे वाले का नाम क्या है? ए बी नोड। तो ए बी नोड जो है, अब ध्यान से देखो, सपोज ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक दीवार होगी ना, तो उस दीवार का नाम, अगर दीवार नहीं होती तो पूरा हॉल हो जाता, लेकिन मैंने तो बोला कमरे हैं, फोर्थ चैम्बर। तो जो दीवार है वो क्योंकि दो एट्रियम के बीच में है इसलिए इसका नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर दो वेंट्रिकल के बीच में होती तो इसका नाम होता है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम, राइट। तो इंटर एट्रियल सेप्टम में पीछे की ओर, सपोज ये वर्टिकल दीवार है तो इसमें पीछे की ओर क्या पोजीशन है? ए बी नोड की। क्या पोजीशन है? ए बी नोड की। अब पीछे की ओर आप बोल सकते हो ऊपर की तो हो सकती है, तो उसके लिए पॉइंट याद रखना है कि जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस का लेवल है, किसका लेवल? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस। दोबारा से बताता हूँ, ये ऊपर वाला कमरा और ये नीचे वाला कमरा, बीच में ही दीवार है, राइट। तो दीवार तो इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी नहीं, मैंने बोला पोस्टीरियरली, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं कहाँ बोल रहा हूँ? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस के पास। और राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस कहाँ होगी? नीचे की ओर होगी कि नहीं? तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस के पास इंटर एट्रियल सेप्टम में पोस्टीरियरली क्या स्थित है? ए बी नोड। क्या स्थित है? ए बी नोड। अब ए बी नोड आगे जाके क्या करेगा? ए बी नोड से ब्रांच निकलेगा, बंडल निकलेगा, वो ए बी नोड से जो नर्व फाइबर निकलेंगे वो राइट साइड में जाएंगे, सेंट्रली नहीं जाएंगे, जहां से निकले वहां से सेंट्रली नहीं जाएंगे, पहले थोड़े से वो राइट साइड में जाएंगे। कहां जाएंगे? राइट साइड में। और राइट साइड में जाने के बाद 2 में टूट जाएंगे, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो राइट बंडल ब्रांच है वो राइट साइड की हो जाएगी, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो लेफ्ट साइड में हो जाएगी। आगे जाने के बाद फॉर गोइंग फॉरवर्ड ये छोटे छोटे फाइबर्स में टूट जाएंगे, माइक्रो फाइबर्स में, उन्हीं को हम बोलेंगे पर्किंस फाइबर, और पूरे हार्ट के अंदर फैल जाएंगे। जैसे ही ऐसे नोड से इंपल्स आई, ए बी नोड रिसीव करेगा, ए बी नोड से बंडल ऑफ इन, बंडल ऑफ इन से पर्किंस फाइबर, एक साथ अब हार्ट या तो एक साथ कॉन्टैक्ट करेगा या एक साथ रिलैक्स करेगा। दिस इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। मैं इस लोकेशन में बता दूँ पोजिशन की कैसे स्थित है।
ठीक है, दिस इज द हार्ट। हाँ, ऊपर वाला कमरा राइट एट्रियम, नीचे वाला कमरा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, मैंने बोला राइट एट्रियम के अंदर ही दोनों वॉल स्थित है। राइट एट्रियम में सबसे पहले क्या खास बात है कि दो वेन के थ्रू ब्लड इसमें आ रहा है, एक सुपीरियर वेनी केवल और एक इंफीरियर वेनी केवल। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेनी केवल की ओपनिंग के पास क्या स्थित है, एसएनएस। ठीक है, समझ आई? दूसरा मैंने बोला राइट एट्रियम में ही स्थित है। राइट एट्रियम में अभी एक पीछे दीवार है, इस दीवार का नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो मैंने बोला इंटर एट्रियल सेप्टम में पोस्टीरियरली, तो दीवार तो इतनी बड़ी है ना, इधर भी पोस्टीरियर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। उसको क्लैरिफाई करने के लिए क्या बोला मैंने, ये जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस है, क्या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑरिफाइस जिसके पास इंटर एट्रियल सेप्टम में पोस्टीरियर है, व्हाट एवी नोड, क्या एवी नोड। अब यहां से नर्व फाइबर निकलेंगे, वो नर्व फाइबर जो है वो नीचे की ओर सीधे नहीं जाएंगे, राइट विल गो इन राइट डायरेक्शन, आ जाएंगे राइट डायरेक्शन, और थोड़ा सा राइट में जाने के बाद दो में टूट जाएंगे, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच, ये आगे जाके छोटे छोटे फाइबर्स में टूट जाएगी और पूरे हार्ट पे फैल जाएगी, एंड दैट इज नोन एज कंटेंशन सिस्टम। कंटेंशन फाइबर, तो कंटेंशन सिस्टम में चार चीजें होती हैं, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ नोड, कंटेंशन सिस्टम। एग्जाम में आ जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ, एसए नोड, एबी नोड, परकिंस फाइबर, ऑल, ऑप्शन इज ऑल। एग्जाम में आ जाएगा, द पोजीशन ऑफ द एसए नोड इज इन राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफाइस नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेनी केवल। समझ आया? यस सर। समझ आया कि नहीं? यस सर। ऐसे ही कोई सा क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा एनाटॉमिकल फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट, दूसरा पढ़ा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। Next class when you will come, you all have to come with syllabus. Okay? Yes, sir.